पसंद है, बीफ पसंद है। एक किलो बीफ के 20 पसंदे हैं ये। इसको इस तरह करके दरमियाने साइज का काट लेंगे। गोश्त कौन सा आया था भाई? ये रान का, बछिया का गोश्त है। रान का गोश्त है ना, का गोश्त है, साफ सुथरा ना बोलेगा। जबरदस्त। ये बहुत बड़ा पीस नहीं हो जाएगा? नहीं, सही है सर, बड़े भी होते हैं। आप चाहे छोटा कर लें या साबित पका लें। अब ये देखें, ये अपने बड़ा पीस बनाया है जी जी पसंदे का। अब आपके ये पकाने के ऊपर है, आप इसका आधा कर लें, दो कर लें इसके, या साबित पकाएं, आप बताएं। इसके दो कर दें, बहुत बड़ा हो जाएगा पीस ये। ठीक है, जबरदस्त। छुरी तेज होनी चाहिए, छुरी तेज होनी चाहिए पानी की तरह। देखिए कितना प्यारा, माशाल्लाह। ये है पसंदा, ये बछिया के बीफ का जो है ना गोले का पसंदा है। छुरी ब्लेड की तरह होनी चाहिए। देखिए हमारी छुरी बिल्कुल रक्षे के साथ माशाल्लाह गोश्त काट रही है। अगर आपकी छुरी तेज नहीं है तो ये पसंदा आपका डिस बैलेंस हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। माशाल्लाह बेहतरीन स्लाइस बन रही है। अच्छा, जो एक साइड से मोटा रह जाए तो उसका ये तरीका है। ये देखते हैं, एक साइड से अगर जो मोटा रह जाए छुरी के चलने के काबिल ना हो, उसका ये तरीका। तो ऐसे मारे आप, चपटा कर दें, थोड़ा पीस जो मोटा रह जाए। ये देखें, टोके से या किसी भी चीज से दबा दें उसको, तो अब ये गल जाए। जबरदस्त। अगर मोटा रह गया तो फिर ये एक साइड से गलेगा नहीं, सही कच्चे पक्के फिर पील होगा। वो जो लोग ज्यादातर आपने देखा होगा टक लगाते हैं जी, वो मिसाला या भैंस का गोश्त हो उसमें टक लगाते हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए, डाल जाए। ये हमारा गोश्त है बछिया का, इसको टक लगाने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही बढ़िया। तो इसमें नली भी ऐड होगी? इसमें नली भी डाल दें आप, जब ये पकाए उसमें हांडी में या कुकर में, तो इसका पूरा साथ निकाल लें। सही नलियाँ हैं माशाल्लाह, सही कछड़े की बच्चे की, सही। तो आप इसका नली का पूरा निकाल के साथ गोश्त गोश्त होगी के निकाली के साथ आप खाएँ, बड़ा टेस्टी, बहुत मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। जबर
तो यहाँ देखे हम पसंदे बनाने के लिए जो कटिंग स्किल होती है वो हमने आपके साथ शेयर की है। बकरा ईद आएगी, घर में बनाइएगा। सिर्फ ये है कि आपने छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ रखनी है और अपने हाथ भी आपने बचाने हैं।